गठन किया। संविधान के गठन के बाद संविधान के दायरे में रह के हमारे देश के वहीवट की सुशासन की हमने शुरुआत की। कई साल हो गए, कई शासन सुशासन हमने देखे, कई आपत्तियां देखी। पिछले दो साल में हम जहां से गुजर रहे हैं वो कोविड और ओमिक्रॉन का समय जो जा रहा है, उसी से लेकर हम सब देशवासी हो, वो विद्यार्थी हो, वो शिक्षा का क्षेत्र हो, वो कई प्रकार के क्षेत्रों के अंदर भी जो बड़ा क्षेत्र है वो आर्थिक क्षेत्र में हमें चिंता का विषय बना हुआ है। उसी को लेकर, उसी आपत्तियों को लेकर पूरा विश्व चिंतित है। भारत में हम सभी ये प्रयत्न कर रहे हैं, हम एफर्ट्स कर रहे हैं कि इस डिजास्टर से, इस आई हुई आपत्ति से हम बाहर निकले और उसी रास्ते पर हमारा देश का शासन, हम सब लोग आजादी के बाद में जो चिंताएं बढ़ रही है उससे कैसे गुजरा जाए, उससे कैसे हम सामना करें, उसी की चिंता में लेकर आज दो तीन साल से हम लोग उसी समय से गुजर रहा हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी चिंताएं खड़ी हुई हुई है। ऑनलाइन शिक्षा जो चल रही है वो भी एक बड़ा चिंता का विषय है। वो अध्यापक हो, वो शिक्षक हो, वो विद्यार्थी हो, सभी लोग अपने आप में चिंतित हो रहे हैं कि ऐसी शिक्षा हम कब तक लेंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूं आप सभी को, ऐसी आपत्तियां आज नहीं आ रही है, ये आपत्तियां सालों से चल रही है, हम उसका सामना कर ही रहे हैं। लेकिन विकास की परिभाषा में जब हम उसकी पारदर्शिता देखते हैं, उसकी कठिनाइयों को हम अनुभव कर रहे हैं, तब मैं आज के युवाओं को यह संदेश देना चाहता हूं कि आने वाले कल के लिए ऐसी आपत्तियों के सामने हम उससे सामना करें, उसके लिए मजबूत बने, अपनी शारीरिक स्थिति को अच्छी बनाए, हम योगा में माने, हम मेडिटेशन में माने, आने वाले कल के लिए शिक्षा में हम और आगे बढ़े, कोई न कोई रास्ता निकल जाएगा। देखते हैं हम, ओमिक्रॉन शुरू हुआ था, तीसरी लहर शुरू हुई थी, लेकिन अभी वो फिर से अपने आप में थोड़ा कम होने का हमें नजारा दिखाई दे रहा है। और इसीलिए दोस्तों आने वाली आपत्ति से घबराना नहीं चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव हैं, जिस बदलाव को हमें अभ्यास करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा, उसी से लेकर ग्लोबल एजुकेशन